हाय फ्रेंड्स, तो आज हम बना रहे हैं गोवन पातोड़ी। ये ज़्यादातर स्वीट जो है ना नागपंचमी और गणेश चतुर्थी में बनता है। इसके लिए बस नारियल लिया है और गुड़। अच्छी तरह से दोनों को मिक्स कर लेंगे। गैस पे 10-5 मिनट में ये हो जाता है। फ्लेवर के लिए मैं बस कार्डमम पाउडर डाल रही हूँ। ये जो मिठाई है ना, ये हल्दी के पत्ते में बनती है, तो हल्दी के पत्ते को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है। यहाँ पे मैं आटे से बना रही हूँ, आप चाहिए तो राइस फ्लावर से भी बना सकते हैं, उसका भी बहुत टेस्टी बनता है। बस पानी लगाकर ऐसे स्प्रेड करना है। आप इसको बेल भी सकते हैं, बेलन से एक पतली सी रोटी बनाकर, पर ऐसे करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। बस सारे पत्ते में ऐसे लगा लीजिए और बीच में हम ये स्टफिंग डालेंगे, जो नारियल और गुड़ की स्टफिंग हमने की है। अच्छी तरह से डालकर बीच में हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देख लीजिए, अभी हमें बस हो गए हैं ये, हमें इसे स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पे इडली कुकर ले रही हूँ, आप स्टीमर भी ले सकते हैं। बस गैस पे 5-10 मिनट में ये हो जाता है। जब ये हो जाएगा ना, तो घर में बहुत अच्छी खुशबू आएगी। देख लीजिए, श्रावण में ये बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि तभी जो हल्दी के पत्ते बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं। देख लीजिए, बहुत ही यमी होती है। इसकी खुशबू से ही ना पता चलता था आपके घर में कुछ मिठाई ज़रूर बनी है।